हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ये डिमांडिंग वीडियो है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर परेशान हैं डीडीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, कि जिनकी भी परीक्षा हो गई है। जैसा कि डीडीयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम 27 जून से लेकर 8 जुलाई तक आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है। इसके बाद आपकी कब एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, तो ऑफिशियली यहाँ पर डीडीयू के द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है कि कब आपका रिज़ल्ट आएगा, कब काउंसलिंग शुरू होगी, काउंसलिंग के प्रोसेस क्या है। देखिए, काफ़ी बच्चों के रिजल्ट इस वजह से ना एडमिशन नहीं हो पाते ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे वो सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन इसी वजह से छूट जाता है। तो देखिए, चैनल पर बने रहिए, सारी अपडेट सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑफिशियली यहाँ पर एक नोटिस जारी कर दी गई है रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे रिज़ल्ट को लेकर परेशान हैं। कब आपकी काउंसलिंग होगी, क्लासेस कब से स्टार्ट हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। कोई भी कोर्सेज आपको BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, बैंकिंग, इंश्योरेंस, BBA, कोई भी कोर्सेज हों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर में यहाँ पर कंप्लीट मेंशन किया गया है, तीसरे सप्ताह में आएंगे परिणाम और चौथे सप्ताह में होगी काउंसलिंग। मतलब जुलाई के थर्ड वीक, अगर हम थर्ड वीक ऑफ जुलाई की बात करें तो थर्ड वीक ऑफ जुलाई आपका कब होगा, 20 जुलाई के बाद। मतलब आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट हैं वो आपके 20 जुलाई के बाद जारी किए जाएंगे, और काउंसलिंग जो होगी लास्ट जुलाई के लास्ट, मतलब 29 से 31 के बीच में आपकी होगी। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो वही 4 या 5 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, और पहली बार जो होगी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऐसा नहीं कि इस बार काउंसलिंग आपको जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यूनिवर्सिटी, इस बार जो काउंसलिंग होगी वो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। और आपको कैसे कराना है, क्या चीज़ें वहाँ पर चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। बिना उसके आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे, कौन सा कॉलेज हमें प्रेफरेंस देना है, कौन सी सारी चीज़ें, ठीक है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी सारी चीज़ें, जो कि आपको सारी वहां से नॉलेज क्लियर हो जाए। तो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारी सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाते हैं। तो जुलाई के तीसरे सप्ताह में आएंगे प्रवेश परीक्षा के परिणाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई के थर्ड वीक में यहाँ पर आएंगे प्रवेश परीक्षा के परिणाम, और फोर्थ वीक में यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक एवं परस्नातक जो प्रवेश परीक्षा है वो 9 जुलाई को क्या है, ख़त्म हो रही है। मतलब आज आपका 8 जुलाई है, कल आपके पेपर्स जो हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के ख़त्म हो जाएंगे। इन परीक्षाओं के परिणाम एक सप्ताह के अंदर घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब अगर आपका 9 जुलाई को पेपर ख़त्म हो रहा है तो 7 से 8 दिन क्या है, यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम रिज़ल्ट चेक वगैरह किए जाएंगे, और एक सप्ताह के अंदर क्या है, रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इस महीने के अंतिम सप्ताह में विश्वविद्यालय प्रशासन ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा। फिर आपका जैसे ही आएगा, आपका उसी बीच एक सप्ताह के बीच में आंसर की वगैरह, आंसर की से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है कब आएगा, और उसके बाद आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्नातक स्तर के 14 एवं परस्नातक स्तर के 33 कोर्सेज के प्रवेश परीक्षाएं जो हैं यहाँ पर 27 जून से शुरू थी, और ये परीक्षाएँ जो हैं 9 जुलाई तक चलेंगी। परस्नातक की बात करें तो 14 कोर्सेज में सीटों की तुलना में कम आवेदन के कारण इन कोर्सेज में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे PG कोर्सेज में हैं जहाँ पर उसमें बहुत कम आवेदन किए गए थे, बहुत कम फॉर्म फिल किए गए थे, तो वहाँ पर उनकी प्रवेश परीक्षाएं नहीं कराई गई थी, ठीक है। तो यही आपको देना था कि इस महीने के तीसरे सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे, और विश्वविद्यालय प्रशासन परिणामों की घोषणा में एक सप्ताह के बाद जो है काउंसलिंग यहाँ की स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना, तुरंत जो भी अपडेट आती है आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 8896914354 पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कम्प्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, थैंक यू।